नमस्कार, हम हैं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अर्थ प्रकाश टीवी। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाहुबली अतीफ अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीफ के अलावा हनीफ, दिनेश, पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों पर एक एक लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है, जबकि अतीफ के भाई अशरफ समेत सात को बरी कर दिया है। इस खबर में महत्वपूर्ण ये है कि अतीफ पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी केस में सजा मिली है। उमेश पाल 2005 में हुए राजपूत हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीफ, उसका भाई और उसका बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इसमें पहली बार सोमवार को अतीफ अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, जिसमें 30 से 35 घंटे लगे थे। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी नैनी जेल से लाया गया था। साल 2005 की बात है, जब बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जब राजू पाल, उसकी पत्नी पूजा पाल समेत उमेश पाल भी बीएसपी में शामिल था, जबकि अतीफ अहमद और उसके भाई अशरफ समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। साल 2004 में अतीफ अहमद यूपी की फुलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर सांसद बन चुके थे। इससे पहले वह इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद से सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर सपा ने सांसद अतीफ अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार चुना। इसी चुनाव में बसपा से राजू पाल को टिकट मिल गया और वो अशरफ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव हुआ तो उन्होंने अतीफ अहमद के भाई को हरा दिया और विधायक बन गए। अतीफ और उसका परिवार उपचुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या केस में अतीफ अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि पुलिस ने 4 अज्ञात को आरोपी बना दिया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह। उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीफ अहमद और उसके साथियों पर लगाया गया था। एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की थी। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीफ ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उमेश के मुताबिक जब उसने अतीफ अहमद पे दबाव में गवाही देने के लिए मना कर दिया, तब उसने बताया कि 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया। इस मामले में 11 आरोपी बनाए गए थे। प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राजपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे, तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम का भी उपयोग किया गया था। इस हमले में उमेश के 2 गनर्स की भी मौत हो गई। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उनके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में 5 शूटरों की तलाश आज भी कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।